नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न ईजी में। दोस्तों, डेली जी के श्रृंखला में जिसमें हम टोटल फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे ग्रुप डी व सी की जीके पर, आज का हमारा जो है दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कल बात की थी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था वह मुख्य रूप से किस भाषा में प्रचारित प्रसारित हुआ? तो यह प्रचारित प्रसारित हुआ मुख्य रूप से जनसाधारण की भाषा पाली में। ठीक है, नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार गांधी विचार विकास के क्षेत्र से संबंध रखता है, मतलब गांधी विचार कुछ जो विकास में सहयोग करते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक शुभंकर जो है उसकी शुरुआत कब से हुई? हर ओलंपिक में शुभंकर होता है, तो उसकी शुरुआत कब से की गई? तो ये की गई 1968 से। कब से हुई? 1968 से। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 है। कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है, नारी, ये जो चित्र था प्रसिद्ध जिसका नाम था नारी, जिसका टाइटल नारी था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसके चित्रकार कौन थे? तो नारी रविंद्रनाथ टैगोर की जो है बनाए गए चित्र है। नेक्स्ट है, परमाणु के कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण की संख्या समान होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं इनकी संख्या कैसी होती है? इक्वल होती है। नेक्स्ट है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापते हैं? तो रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य किसने स्थापित किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य ये स्थापित किया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया और जकात कर में क्या अंतर है? जजिया कर और जकात कर को डिफाइन करना है, तो जजिया कर क्या है? यह हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, और जकात कर मुस्लिम का धार्मिक कर है। ठीक है, जकात कर और जजिया कर में ये बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न के कितने प्रतिशत पर धान की खेती होती है? कुल खाद्यान्न के कितने प्रतिशत पे धान उगाई जाती है? तो 1/3 एक तिहाई में धान की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में ताज शासनकाल कब से आरंभ हुआ? तो ब्रिटिश भारत में जो ताज शासनकाल है यह आरंभ हुआ जब 1 नवंबर 1857 को, जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद, इसके पहले का समय जो है कंपनी के शासनकाल के रूप में जाना जाता है, और 1858 के बाद का समय स्वतंत्रता तक का ताज शासनकाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पूर्ण किसके द्वारा कराया गया? तो कुतुब मीनार की जो देखिए नींव डाली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा डाली गई थी, और उसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति का संबंध किस वायसराय से? राज्य हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का जो है इसका उपयोग किया था और बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो जल के भीतर वायु का बुलबुला जो है वह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसा? अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? तो निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो D2O जो होता है भारी जल, उसका प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में हम करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
जो 1857 की प्रथम क्रांति थी वो क्यों हुई या उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है, उस समय जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनके उपयोग के लिए दिया गया था, जिनको मुंह से खींचना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, तो उसके विद्रोह में ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़की थी। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य भारत में बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल है वो है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं। क्या यूनिट है? डायोप्टर का। इसी से संबंधित सवाल है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, भारत का वायसराय पद कब सृजित हुआ या कब बना? तो भारत का वायसराय जो पद है यह बना 1857 के भारत शासन अधिनियम से। इसके पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको फिर इस अधिनियम से भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसी से संबंधित है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इन्हीं कार्यकाल में जो है जो प्रथम विद्रोह हुआ वो 1857 का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय रेलवे के ग्रुप डी व सी का स्पेशल श्रृंखला का डेली जीके का दूसरा भाग था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।